पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ और एक बार फिर ऑपोजिशन ने घेर लिया मोदी सरकार को अग्निवीर मामले में। आखिर अग्निवीर स्कीम है क्या? हर बार ऑपोजिशन क्यों मोदी सरकार को इसमें घेर लेता है? इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अग्निवीर स्कीम 2022 से शुरू हुई थी। इसके तहत चुने गए कैंडिडेट्स को सेना में 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। 4 साल बाद इनमें से सिर्फ 25% लोग ही आगे सेना में परमानेंट होंगे और बाकियों को सेवा निधि पैकेज के अंदर 2.25 लाख रुपए के आसपास देकर सेना से एग्जिट दे दिया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, 4 साल के बाद जब ये अग्निवीर सेना से एग्जिट ले लेंगे तो उन्हें कोई पेंशन सरकार नहीं देगी। अग्निवीर बनने के लिए उम्र 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि नौजवानों के सेना में आने से वो अच्छी तरीके से जोश और जज्बे के साथ लड़ पाएंगे और पेंशन ना देकर वो पैसे हम आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में इन्वेस्ट कर पाएंगे। पर इस स्कीम से नाराज छात्रों का कहना है कि 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें दोबारा नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। और तो और उनका ये भी कहना है कि सरकार पेंशन को हटा के अपनी झोली में डालना चाहती है। उनका कहना है कि अगर सरकार को पेंशन हटाना ही है तो MLA और MP का पेंशन क्यों नहीं हटा देते। वहीं ऑपोजिशन का कहना है कि 4 साल की नौकरी के लिए अग्निवीर क्यों ही अपनी जान कुर्बान करेंगे। सही बात है, देश की सेवा करना एक बात है पर घर भी तो चलाना है, कोई क्यों 4 साल के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। ऑपोजिशन का तो ये भी कहना है कि अग्निवीर अपनी दिल जान से इस नौकरी को नहीं करेंगे जैसे परमानेंट सैनिक करते हैं। और तो और जहां वैकेंसी 2.5 लाख सैनिकों की है, वहीं हर साल सिर्फ 40,000 अग्निवीर ही रिक्रूट किए जाते हैं। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स का इस स्कीम के खिलाफ कहना है कि जहां पहले जवानों को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, वहीं अग्निवीर को बस 8 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उनके परफॉर्मेंस पे बुरा असर पड़ेगा और वो दूसरे सैनिक जैसे चीनी सैनिकों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपकी क्या राय है अग्निवीर स्कीम के बारे में, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक नमस्कार।